सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत करता थोड़ा सारिया का मीत अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अज थोड़े लिए बहुत वधिया रिक्रूटमेंट अपडेट लैके आया हाँ, जो कि पंजाब के कैंडिडेट लिए निकल के आ चुके हैं जी। जिस दे विच अगर मैं गल करा, पंजाब सरकार वालों एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जिहड़ा जी आउट कर दिता गया है। किदां तुसीं इहदे लिए अपलाई करोगे, कौन कौन अपलाई कर सकता है, पूरी जानकारी अज इस वीडियो तुहानूं देवांगा। सो वीडियो नूं तुसीं एंड तक पूरा जरूर देखियो। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, चैनल नूं कर लियो सबसक्राइब, तो नाल दी नाल बैल आइकन भी दबा लियो, ताकि हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट तुहानूं तुहाडे मोबाइल दे विच मिलदा रहे, तो समा रहिंदे तुसीं इहदे लिए अपलाई कर पाओ। अज दी नोटिफिकेशन दे विच जिहड़ियां भर्तियां आउट कीतियां गईआं ने, उह हैगे MTS सहायक दीआं, अकाउंटेंट दियां, जूनियर इंजीनियर दियां, तो होर भी कई पोस्टां आउट होईआं ने जिन्हां नूं तुसीं अपलाई कर सकते हो। इहदे विच 18,000 तो लैके तुहाडी सैलरी बहुत वधिया रहेगी। मैं पोस्ट वाइज भी तुहानूं दस्सांगा तुहाडी सैलरी किन्नी है। सो इहदे लई किद्दां अपलाई करना है, नोटिफिकेशन कि डिपार्टमेंट वालों आउट किया गया वह भी दसदा है। तो वीडियो नूं एंड तक पूरे देखते हुए चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करके जाओ। तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उहदे लई बेस्ट स्टडी मटीरियल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है जी। डाउनलोड करके अपनी तैयारी जी है वो तुसीं पक्की कर सकते हो। तो चलो चलते हैं जी रिक्रूटमेंट अपडेट के उपर, तो उत्थे चल के बाकी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करदे हां जी। सब तो पहलों गल करते हैं जी पहली पोस्ट के बारे में, जिहड़ी कि आउट की गई है जूनियर सिस्टम इंजीनियर के लिए, ठीक है जी, जो कि JSE की है, जिस दे विच तुहाडी पे मैट्रिक सैलरी जी है जी 56,100 तो लैके 1,77,500 तक जी है जी वो रहेगी। और इस दे विच जिन्ना कैंडिडेट ने BE BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, इलैक्ट्रॉनिक इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग की है, या फिर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अपलाई कर सकते हैं। उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस हैगा है कंप्यूटर पैराफेरल का, सर्वर्स का, ठीक है जी, PCs का हर एक नॉलेज हैगी है, तो वे अपलाई जो है वो कर सकते हैं जी। उस तो बाद नेक्स्ट अगर मैं गल करा इतने, तो नेक्स्ट जी पोस्ट आउट की गई है वो हैगी अकाउंट ऑफिसर की, एक पोस्ट है जी, जिस दे विच तुहाडी सैलरी जी 44,900 तो लैके 1,42,400 रहेगी, जिस दे विच तुहाडी गवर्नमेंट या किसी भी मतलब तुसी गवर्नमेंट बॉडी तो या किसी भी अदर ऑर्गनाइजेशन तो काम किया है, तो वो ये अपलाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इस दे विच ओपन सिलेक्शन रहेगी कैंडिडेट की, जिन्हें क्वालिफिकेशन जी ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स नाल हैगी है अपलाई कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन तुसी कमर्स अकाउंटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दे विच कीती है अपलाई कर सकते हो, ठीक है जी। और जिन्होंने ग्रेजुएशन की 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना जरूरी है जी, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा इतने जी पोस्ट हैगी है सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट की, जिस दे विच एक पोस्ट आउट की गई है, सैलरी 35,400 तो 1,12,000 रहेगी। इहदे विच क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मंगया गया किसी भी ब्रांच में, इंजीनियरिंग ब्रांच के तुहाडे कोल, तो मिनिमम 5 साल तक एक्सपीरियंस हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी, करिकुलम डिवेलपमेंट दे विच या एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल प्रपरेशन दे विच तां अपलाई कर सकदे हो जी। डिप्लोमा जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन लाइन का किया वो भी अपलाई कर सकते हैं। सो उस तो बाद इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है राइटिंग ड्रॉइंग पेंटिंग इलूस्ट्रेशन दे विच, तो भी इहदे अपलाई जिहड़ा है वह कर सकते हैं जी। परसनल असिस्टेंट दी 7 पोस्टां जिहड़ियां ने वो आउट कीतियां गईआं ने जी इत्थे, जिस विच 5 जिहड़ियां ने अनरिजर्व दे लई, एक OBC दे लई, एक SC कैंडिडेट दे लई हैगी है 35,400 तो लैके 1,24,12,400 जिहड़ी तुहाडी सैलरी है वो इस दे विच रहेगी। तो ग्रैजुएशन जिन्होंने की हुई है किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस जो है वो मंगया गया है जी, ठीक है, जिस दे विच जूनियर स्टेनोग्राफर का जो एक्सपीरियंस होना जरूरी होगा 3 साल का, ताही तुसी इहदे लई अपलाई जो है वो कर सकते हो जी। सारे के सारे लिंक जिहड़े ने मैं तुहानू डिस्क्रिप्शन च ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिते ने, सो तुसी चैक करके अपलाई कर पाओगे। उस तो बाद आंदा जी लास्ट पोस्ट जिहड़ी कि हैगी है MTS की, 19 पोस्टां, जिस दे विच अनरिजर्व दे लई गल करां तां 8 पोस्टां रिजर्व ने, OBC दे लई 5, SC दे लई 3, ST दे लिए 1, EWS दे लिए 2, तो ये 18,000 तो लैके 56,000 तक तुहाडी सैलरी रहेगी। 10वीं पास आउट तुसी कीती हुई है, ठीक है जी, और तुहाडे कोल 35 साल तो बाद तुहाडी एज नहीं है, तो तुसी इहदे लिए अपलाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस दे विच एज लिमिट ते क्वालिफिकेशन जिहड़ी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे लिए रहेगी। उस तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा, यह नोटिफिकेशन NITR वालों आउट किया गया है जी, इस दे लिए तुहाडी 17-11 जिहड़ी है ऑनलाइन एप्लीकेशन जिहड़ी है तुसी भर सकते हो, तो लास्ट डेट जिहड़ी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन दी सर्टिफिकेट दी 5/24/11 तक तुसी सबमिट करा सकते हो। इस दे विच नॉन रिफंडेबल 750 रुपये जी एप्लीकेशन फी है तुम्हें सबमिट करनी होगी हर एक पोस्ट के लिए। तो इस उन्होंने एज लिमिट देखो तुम देख सकते हो दसी हुई है, तुम चैक कर लेना, सिर्फ ऑनलाइन तुम्हें ये अपलाई करना होगा जी। और इस जो नोटिफिकेशन तुम दसिया मैं नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सैक्टर 26 चंडीगढ़ वालों नोटिफिकेशन जारी होया है जी, जल्दी नाल जाके चैक करके अपलाई कर लियो, फिर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके दस ही सकते हो। सो येगा अज का नोटिफिकेशन, तो हूँ मैं तुम्हें मिलागा नवे नोटिफिकेशन के नवी वीडियो के, तद तक दे धन्यवाद जी।